किसी एबी का सातवां तथा बारहवां क्रमशः 34 और 64 है, तो उस एबी को निकालें। इस एबी का दसवां पर भी ज्ञात करें। अब इनमें हम ध्यान दें, यहाँ पे क्या दिया हुआ सातवां और बारहवां, ठीक है, सातवां पद क्या दिया हुआ 34 और बारहवां पद क्या दिया हुआ 64, ये तो दिया हुआ, तो उस एबी को निकालें। सातवां पद है ये बारहवां पद, तो इसका एबी क्या हुआ सो निकालना है, और एबी जब निकल जाएगा उस समय दसवां पद भी ज्ञात करना है। उसमें यहाँ पर दिया हुआ है सातवां पद, क्या लिखते हैं 37 बराबर 34, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 37 है तो फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू बी, ये फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, तो इसी फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे N है, ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया A प्लस N माइनस 1 इंटू बी है, तो यहाँ लिखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर में 34। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब क्या है एन है, एन दे करके 7 लिखे, एन इसलिए क्या करेंगे हम 7 लिख देंगे, ठीक है, बराबर 34 हो गया। ए प्लस 7 का समान माइनस कर देते हैं 6, डी बराबर 34, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, यानी पहला समीकरण हो गया। अब इसी तरह दूसरा निकालते हैं 12 हो गई, टी टू बराबर दिया हुआ है 64, ये लिखते हैं 64, उसके लिए फॉर्मूला सेम यही यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, लिखते हैं ए प्लस एन की जगह 2l है तो 2l लिखते हैं, एन माइनस वन इंटू बी बराबर है 64, ये हो गया। अब ए की जगह ए लिखते हैं प्लस, 12 में से कराएंगे तो 11 आएगा, और ये डी, तो ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू 64, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे, ये लिखते हैं समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, दोनों घटाते हैं, पहले ऊपर में बढ़ाइए ऊपर लिखते हैं, छोटा नीचे लिखते हैं, तो ए प्लस 11 बी इक्वल टू 64, और यहां पे ए प्लस 6 बी इक्वल टू 34, अब दोनों को घटाना है, एक लाइन खींचते हैं, और ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस अंक है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस में है और ये ए माइनस में, दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है, 11 में से 6 माइनस करेंगे, ठीक है, ये आएगा 5d, साथ में d भी, 11 d में से 6d को माइनस करेंगे तो आएगा 5d, यहाँ पे 64 में से 34 बढ़ाएंगे तो आएगा 30, ये होंगे। अब यहाँ लिखते हैं डी इज इक्वल टू 30/5, 36 कर लिए 6 बार, तो डी बराबर होता है 6, तो वहां निकल गया हमें डी बराबर 6 निकल गया, यानी सारा उत्तर निकल चुका है। अब क्या निकालना है सातवां पद, बारहवां पद क्रम संख्या 14, तो उस एबी को निकाला है, ठीक है, अब क्या निकालना है एबी निकालना, तो एबी क्या जरूरत पड़ेगा, पहले पद जरूरत पड़ेगा, तो अब ये जो डी का मान है, ठीक है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ लेंगे, तो ए का मान भी निकल जाएगा, क्या लिखते हैं ए प्लस 6d इज इक्वल टू 34, अब ए का मान निकालना है, लिख दिया ए लिखा जाए प्लस 6 और यहाँ बी, बी का मान कितना 6 है बराबर 34, ए प्लस 36 बराबर 34 हो गया, ए बराबर ये 34 है, ये प्लस में है 36 हो जाएगा तो माइनस में, तो 36 में सर 34 बड़ा दिखता है 2 आएगा, परंतु यहाँ बड़ा कम है 36 है, इसमें कौन सा है माइनस 36 है, माइनस आता है ए बराबर क्या हो गया माइनस 2, मतलब ए वन बराबर हो गया माइनस 2, ये और डी भी मालूम हो गया, ए मालूम है डी मालूम हो गया, उसका सारा निकाल सकते हैं, ए वन निकल गया, अब हम ए टू निकालते हैं, ए टू का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला ए वन प्लस बी, ठीक है, जिसका भी हम अलग पद निकालना चाहेंगे उसको हम उस पद को लिखेंगे और उसमें बी को एड कर देंगे, तो हम इसे ए वन को हम पता हो गया माइनस 2 है, अब हम ए टू निकाल सकते हैं, ए वन लिखेंगे और प्लस बी लिखेंगे, ए वन का मान कितना है माइनस 2 प्लस बी का मान कितना है 6, यहाँ से मानना और 6 में 2 बना कितना है 4 है, ए टू निकालेंगे 4, इसी तरह से ए थ्री भी निकाल सकते हैं, ए टू प्लस बी होगा, ए टू का मान कितना है 4 है प्लस बी का मान 6 है,
फोर और सिक्स मिला करके ए वन निकल गया, ए टू निकल गया, ए थ्री निकल गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको यहां से मिटा देते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये भी क्या निकल गया, माइनस टू फोर ट्वेल्व, ये हमारे भी आ गया, ठीक है, डॉट में ये भी निकल गया, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है, एपी का दसवां पद निकालना है, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन के लिए लिखेंगे टेन, क्योंकि हम दसवां पद निकालना है, ए का मान कितना है माइनस टू प्लस एन के लिए टेन की दसवां पद निकालना है माइनस वन और डी का मान है सिक्स, माइनस टू प्लस टेन दसवां माइनस टेन तो नाइन इंटू सिक्स, माइनस टू प्लस छह नंबर चौवन, ठीक है, चौवन से नंबर आता कितना है बावन है, ये प्लस में माइनस में घटेगा बावन, ये हो गया दसवां पद, ये हो गया। इस तरह से हम आगे प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।